फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, मामी बन गई है जग्गा जासूस। जी हाँ, मामी बन गई है जासूस और ढूंढ रही है कुछ, तो भी ढूंढ रही है और किसी न किसी की तो जासूसी कर रही है। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मामी फिर से जग्गा जासूस बन गई है और चला रही है रिक्शा या ऑटो रिक्शा चला रही है, मतलब ऑटो रिक्शा में बैठ के और वो कर रही है किसी की जासूसी। ये जो न्यूज़ है, एक्चुअल में ये जो मतलब छोटी सी क्लिपिंग है जो उन्होंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया है, जो मैंने काफ़ी टाइम पहले देख लिया था और बट फिर भी मेरी एक सब्सक्राइबर है जिल जी, तो उन्होंने मुझे एक कमेंट किया कि दी आपने देखा क्या? तो याद या मैंने देखा और मैंने उन्हें कमेंट भी किया था, तो फिर मतलब उन्होंने रिप्लाई भी किया मुझे, मतलब उसमें भी मैंने ऐसा ही कुछ कमेंट किया था। अगर आप हैं इंस्टा पे, आप देख सकते हैं कि मामी बनी जग्गा जासूस सॉरी। सो उस पर उन्होंने कमेंट किया था कि ये तो फिर मतलब मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने एक्चुअली वो ऑलमोस्ट सभी का मतलब रिप्लाई करती है, मैंने देखा है बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हैं। सो मतलब बहुत ही ज़्यादा हम्बल है वो, बहुत ही अच्छी हैं एक्चुअल में, मतलब रियल लाइफ में। और रियल लाइफ में तो हम मामी के बिना शो की मतलब वो शो में मज़ा नहीं आएगा यार। वो एक्चुअली में क्या है ना, सब्जी में जो बोलते हैं ना मसाला, वही मतलब सीरियल में वो मसाले का काम करती हैं, तो काफ़ी अच्छा। अब इस टाइम पे कुछ ना कुछ वो फिर नया करने वाली है, फिर कोई नया कांड करने वाली है, या फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रही है, क्योंकि जो नया फंक्शन हो रहा है उसमें वो भी तो है। बट उसके बारे में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मे बी ऐसा हो सकता है कि रिशिता जो की प्रेगनेंसी का जो ट्रैक आने वाला है कि वो प्रेग्नेंट होने वाली है, सो अभी तक किसी को पता नहीं होगा, तो हो सकता है मामी वो पता लगाने की कोशिश कर रही हो या फिर कुछ और, वो तो हमें आगे के एपिसोड में पता चल ही जाएगा। फिलहाल तो आप ये एंजॉय कीजिए कि मामी जो है वो ऑटो रिक्शा चला रही है और कुछ ना कुछ तो मतलब किसी न किसी की तो जासूसी कर रही है कि आखिर में हुआ क्या, या फिर जो फंक्शन में रिशिता की माँ बुआ और मम्मी मतलब आए थे उसके बारे में भी हो सकता है कि वो कुछ कुछ ना कुछ तो खोज रही है यार, जो हमें नेक्स्ट एपिसोड्स में पता चलेगा। मतलब क्या हो सकता है नेक्स्ट, मतलब कल या उसके अगले एपिसोड में ऐसा कुछ देखने को मिले, क्योंकि इसके पहले भी जब उन्होंने एक छोटी सी क्लिपिंग मतलब डाली थी इंस्टा पे, जिसमें कि वो शिवा को जब वो बाहर मतलब शिवा को धरा छुपाए रहती है अपने मायके में, तो वो बाहर से देख के और फोन करती है पुलिस को, वो वाला जो सीन होता है, वो दरवाजे के पास से भागने वाला, वो उन्होंने शेयर किया था, तो वो भी मतलब काफी इंटरेस्टिंग था। और अभी जो इन्होंने शेयर किया है, फिर उसका भी रिलेशन अगर कुछ होता है सीरियल में, सो वो भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। सो फ्रेंड्स, एक्चुअल में मैंने ये न्यूज इसलिए भी दी है क्योंकि मेरे काफी जो मतलब सब्सक्राइबर्स हैं वो इंस्टा पे नहीं है, उन्हें नहीं पता चलता कि इंस्टा पे क्या हो रहा है क्या नहीं, सो मैंने सोचा कि ये न्यूज आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो दोस्तों, आप लोगों को भी देख के बहुत मज़ा आएगा, आप लोग जरूर देखिएगा। और मतलब मेरी एक सब्सक्राइबर है, मेरी उन्होंने मेरी लास्ट वीडियो में मतलब जो मैंने अपकमिंग एपिसोड वाली वीडियो डाली थी उसमें उन्होंने मुझे फर्स्ट कमेंट किया था, रंजीता जी। सो मतलब आपका बहुत बहुत थैंक यू मुझे फर्स्ट कमेंट करने के लिए, और ऐसे ही मुझे कमेंट करते रहिए, प्यार देते रहिए, और मैं आप लोगों तक इससे रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ मतलब पांड्या स्टोर से और भी कुछ कुछ जो भी न्यूज़ मुझे पता चलती है वो मैं आप लोगों को देती रहूंगी। और अगर आप लोगों को कुछ और भी न्यूज़ चाहिए सो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं जरूर ट्राई करूंगी, उसके ऊपर सर्च करूंगी और कुछ जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना। और अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि मामी क्या ढूंढ रही है और किसकी जासूसी कर रही है। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।